Hey guys, what's up? Welcome back to yet another video on Aviation First, where aviation comes first. So as I promised in this video, ki main apna personal experience share karunga DGCA class 1 medical ka. So here it is. Within April bola tha, within April aa gaya hai. So first of all, main aapko bol deta hu, is video ko end tak dekhna. Agar video lamba ho jata fir bhi end tak dekhna, because after watching this video you will get to know what to expect when you go to get your class 1 medical done. एंड जनरली मैं इस टाइप के वीडियोज़ अपनी टेरेस पे बनाता हूँ, क्योंकि शोर कम होता है. बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग स्टाइल बनाए, क्योंकि मैं इसको टाइटल व्लॉग भी दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत फुटेजेस मैं अपने डालने वाला हूँ क्लास वन मेडिकल के, जो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाया हूँ. सो थोड़ा मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, बट इससे जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा उसको मैनेज कर लेना. ऑल्दो मैंने माइक नया लिया है, तो इससे वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. बट जस्ट अ सेकंड, आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, तो बताना कैसा लगा. ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, मैं आई कार्ड में भी दे दूंगा कि प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है. तो प्रोसीजर मैंने यही फॉलो किया, इसलिए उसका रेफरेंस मैं आपको नहीं देने वाला हूँ. बट आई विल टेल यू व्हाट प्रोसेस आई वेंट थ्रू. ठीक है, सो इट वॉज द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी 2022, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना क्लास वन मेडिकल कराऊंगा फ्रॉम AFCM इन न्यू दिल्ली. तो पेरेंट्स के साथ बात करने के बाद, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करने के बाद, आई फाइनली डिसाइडेड कि मेरे को 16th मार्च 2022 को अपना दिल्ली में करवाना है क्लास वन मेडिकल. ठीक है, सो मैंने फिर 14th फेब 2022 को, जो प्रोसेस उस वीडियो में मैंशनड है, उसी प्रोसीजर से मैंने अप्लाई किया क्लास वन मेडिकल के लिए. और मैंने उसमें, उस वीडियो में मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया हूँ कि आपको ईमेल जो सेंड करना है उसका फॉर्मेट क्या है. आपको ईमेल में क्या क्या सेंड करना है वो मैंने बता दिया है, बट उसका फॉर्मेट मैंने नहीं बताया. तो मैं आपको फॉर्मेट अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ. आपको इस फॉर्मेट से उधर ईमेल सेंड करना है, एंड अप्रॉक्सीमेटली ऑन 16th और 17th, मैंने 14th फेब को अप्लाई किया था, 16th या 17th को मेरे को मेल भी आ गया that my application is submitted successfully and मेरे को appointment date 16th मार्च चाहिए थी, तो वो मेरे को मिल गई थी. तो next thing I had to do was get my medicals done. तो वो जो email आया था उसमें mention किया गया था कि आपको कौन से medical करवाने हैं from NABH approved laboratory. तो उसके लिए फिर उसमें लिखा था कि all the laboratory reports are valid for 1 month and all the X-ray and ECG and sonography are valid for 2 months. But मैंने सोचा ज़्यादा एडवांस में करवाने से अच्छा 1 week एडवांस में करवा लूँगा. एंड सो आई वेंट टू स्टर्लिंग हॉस्पिटल, उसका मैं थोड़ा बहुत फुटेज वगैरह बीच बीच में डाल दूँगा. मैं 9th मार्च 2022 को, तो 16th को मेरा अपॉइंटमेंट था, 9th मार्च 2022 को मैं उधर हॉस्पिटल में गया. और उधर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपली अपना टैब खोला और जो सेक्शन था जिसमें सारे रिपोर्ट्स लिखे हुए थे, सन पीछे आ रहा है क्या, सारे लिखे हुए थे टेस्ट, वो सारे मैंने उधर दिखा दिया. बोल दिया कि मेरे को ये सारे टेस्ट करवाने के हैं, आप अपने हिसाब से देख लो और मेरा सब करवा दो. तो उन्होंने मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉल करके सब कन्फर्म कर दिया कि सब लोग अवेलेबल है कि नहीं. एंड देन फिर उन्होंने मेरा समरी पूरा निकाल के वो बना दिया कि ये सारे टेस्ट करने और इस लेबोरेटरी में जाना है. और मेरा टोटल बिल हुआ था कुछ 10,300 रुपीज़ का. अभी इधर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि इफ़ पॉसिबल, आप अगर अपने एरिया में NABH अप्रूव्ड लेबोरेटरी, जो इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से उनको अगर जानते हो, तो आप डायरेक्टली उधर आप चले जाओ टेस्ट करवाने. क्योंकि मैं जब AFCM ही गया तब पता चला कि जो जो लोग इस तरह से टेस्ट करवा के आए थे उनको मतलब 6,000 to 7,000 में सारे टेस्ट हो गए. और बिकॉज आई डिड इट फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल विच वॉज ऑल्सो NABH accredited, बट उसमें मेरे को कॉस्ट 10,000 प्लस लग गया. तो इंडिविजुअल आप अगर लेबोरेटरी से करवाओ तो देट वुड बी बेटर. तो अभी ये जो सारे टेस्ट है इसमें से ज़्यादातर आपका ब्लड एंड यूरिन सैम्पल से ही हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिवर फंक्शन टेस्ट है, ये मैंने कभी करवाया नहीं था, तो मेरे को लगा पता नहीं कुछ स्कैन वैन करेंगे, एक्सरे वगैरह लेंगे, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. वो बस ब्लड सैम्पल जो लिया था उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट भी हो गया था. तो ज़्यादातर टेस्ट आपके ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स हो जाएंगे. तो मैंने ये सैंपल्स दिए, उसके बाद आई वेंट फॉर माई एक्सरे हो गया, फिर ECG करवाया, ECG भी हो गया, एंड फाइनली फिर मैंने सोनोग्राफी करवाया. अब सोनोग्राफी के लिए
मैंने ऑब्वियसली इन पर्सन देखा है लोगों को सोनोग्राफी करवाते हुए, तो मैंने खुद ने कभी नहीं की थी, बट मतलब इस बार की वाट लग गई। मतलब इतना सारा पानी होल्ड करवाते हैं एंड फिर बाद में उसके बाद भी इतना दवा दवा के साला इतना कंट्रोल करना पड़ता, क्या ही बोले। ठीक है, तो ये सब मेरे टेस्ट हो गए। फिर आता है अपना प्योरटोन ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री मैं करवा के गया था नो डाउट, बट उधर भी उन्होंने किया तो AFCME में, तो आई डोंट थिंक ऑडियोमेट्री करवा के जाने की ज़रूरत है, बट ऑन अ सेफर साइड मैं तो बोलता हूँ करवा के ही जाओ। और ENT भी AFCME में करते हैं, बट मैंने सोचा कि वो भी मैं करवा लूँ, तो ENT भी मैंने करवा लिया था। फिर आइस टेस्ट तो करवाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मतलब जब तुम टेस्ट करवाओगे और तुमको उधर नंबर आ गया, आइज़ में पावर आ गया, तुमको उस पावर के स्पेक्टिकल्स भी लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उधर वो डिटेक्ट करते हैं नंबर और तुम्हारे पास स्पेक्टिकल्स नहीं है तो फिर वो डिले हो जाएगा, क्योंकि तुमको स्पेक्स तो लेके जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आइज तुम्हारी चेक हो जाएगी, लेकिन डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करवा के मत जाना, क्योंकि उसमें मैं करवा के गया था बट उसमें सिर्फ फंडस एग्जामिनेशन में NAD लिख दिया, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, उससे ज़्यादा और कुछ लिखा नहीं था। तो आप करवा के ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि उधर वैसे भी ढंग से करने वाले हैं। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको करना हो तो करो वरना मत करो। अभी जब मैं गया था अपना आई टेस्ट करवाने, तो उधर मेरे को नंबर आ गए। ठीक है, मेरे को इतने सालों में कभी भी पावर नहीं था इसमें, बट जब नहीं आना चाहिए था तभी पावर आ गया। सो व्हाट आई डिड वाज आई हैड टू यू नो गेट माय स्पेक्स डन। सो 9th मार्च को मेरे सारे रिपोर्ट्स हुए, तो मैं 10th को ही शॉप पे आ गया था अपना स्पेक्स बनवाने। मैं आपको थोड़ी शांत जगह कहीं पे जाके ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। ओके, फिर 12th मार्च को मेरे स्पेक्स आ गए। फिर व्हाट आई टू डू वाज जस्ट वेट टिल 14th ऑफ मार्च, क्योंकि 14th नाइट को मेरे को निकलना था दिल्ली के लिए। वो व्लॉग भी आई कार्ड में भी दे देता हूँ, वो मतलब पूरा जर्नी है मेरा 14th को निकल के 15th वहाँ पहुँचा, एंड दूसरा आई कार्ड भी डाल देता हूँ, उसमें मैं मिला था तपेश सर और प्राची मैम से। वो वीडियो सबसे ज़्यादा मतलब व्यू किया गया अपने चैनल पे, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो व्लॉग्स आप उधर देख लेना, बट आई हैव टू वेट टिल 14th ऑफ मार्च। फिर ऑब्वियसली AFCME वाले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगते हैं, सो मैंने 14th को अपना RT-PCR करवाया, रात तक में वो नेगेटिव आ गया। फिर आप व्लॉग में देख लो क्या क्या हुआ, एंड नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू 16th ऑफ मार्च। ठीक है, तो AFCME में रिपोर्टिंग टाइम बोला जाता है कि इट इज़ 7:30 AM। तो मैंने अपनी ट्राई किया था दोनों ही दिन मैं 8 बजे पहुँचाऊँ, बिकॉज मैं कैब नहीं ले रहा था, मैं मेट्रो से जा रहा था, एंड मेट्रो से फिर मेट्रो चेंज करने में एक आध बार मिस हो गई। मैं 7:30 तक पहुँच जाता था AFCME कैंपस के बाहर, बट वहाँ पे फिर एंट्री पे आपको अपना कुछ ID प्रूफ सबमिट करना होता है और थोड़ा यू नो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, उसमें आधा घंटा लग जाता है। तो ठीक है, anyways, मैं 16th को पहुँचा AFCME। उधर जाके ना आपको CA-34 फॉर्म देंगे, आपको वो फिल करना होगा, उसमें बहुत सारे डिटेल्स मांगेंगे कि मतलब फैमिली हिस्ट्री वगैरह, आपको कोई दूसरी डिजीज़ है कि नहीं, वो सब आपको पूछेंगे, वो आपको डिटेल फिल करनी है। और उस फॉर्म में आपको जो एड्रेस देना, एड्रेस पूरे का पूरा लिखना, मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि उस एड्रेस पे वो असेसमेंट सेंड करने वाले और मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मुझे नहीं पता मेरा असेसमेंट घर पे कैसे आने वाला है। तो उधर CA-34 फॉर्म में अपना अच्छे से लिखना पूरा एड्रेस। अभी उसके बाद दे विल सेंड यू ऑन द फर्स्ट फ्लोर उधर वेटिंग रूम में, और वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ ना कुछ चेक करेंगे, ID प्रूफ। और उसके बाद ऑन द फर्स्ट डे आपकी 3 ही चीज़ होगी, बट इन 3 चीज़ों के बीच बीच में आपको मतलब वेट बहुत सारा करना पड़ेगा, तो टाइम 8 घंटा लग जाएगा। बट बिकॉज इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इनिशियल वाले इतने होते हैं, रिन्यूअल वाले इतने ज़्यादा होते हैं, तो फर्स्ट थिंग यू विल गो थ्रू इज़ योर प्योरटोन ऑडियोमेट्री। मतलब मेरे साथ तो यही हुआ था, तो जनरली यही प्रोसीजर रहता होगा। सो प्योरटोन ऑडियोमेट्री हो जाएगा, उसके बाद आप वेट करोगे, उसके बाद आपका ENT के लिए आपको बुलाएगा, ईयर्स नोज एंड थ्रोट टेस्ट, उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा वेट कराएंगे, एंड लास्टली आपको day 1 के एंड पे फंडस एग्जामिनेशन हो जाएगा। आपका आई टेस्ट होगा पहले, आपको रीड वगैरह करवाएंगे, फिर आपका फंडस एग्जामिनेशन होगा। भाई फंडस एग्जामिनेशन में क्या होता है, विद इन हाफ एन आवर आपके आइज़ में 3 times ड्रॉप डाल दी जाती है, और उससे फिर आइज़ आपकी डायलेट हो जाती है, एंड देन
द डॉक्टर चेक्स योर आइस, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट हमारे क्या हो गया, हमारे दो ड्रॉप्स डाल दी थी, उसके बाद जो उधर इन्विजिलेटर थे या फिर जो भी रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर को आने में एक घंटा लगेगा, तो आप लोग खाना खा के आ जा। अब यहाँ दिस इज़ अ पॉइंट कि दे मैंशन दैट यू नीड टू गो एम्प्टी स्टमक ऑन बोथ द डेज, बट एक्चुअली में एम्प्टी स्टमक जाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बट दे वॉन्ट यू टू कम एम्प्टी स्टमक बिकॉज अगर कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है उनको तुम्हारे लैब रिपोर्ट्स में, तो उनको फिर वो टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है, बट अदरवाइज इट वॉज ऑफ नो नीड। तो डे वन को क्या हुआ, हमारी आइज डायलेट की, एंड देन दे सेड कि डॉक्टर को तो आने में एक डेढ़ घंटा लगेगा, तो तुम लोग कैंटीन में जाके लंच कर लो। हमने बोला ठीक है, लेकिन दूर का हमको सब दिख रहा है, बट आइज डायलेट की थी इसलिए पास का हमको कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब खाने को भी घूर घूर के खाया है, ठीक है। बट एनी हाउ लंच हो गया, एंड उसके बाद रफली 2 PM को डॉक्टर आ गए, और लास्ट एक ड्रॉप डाल के उन्होंने हमारा डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन कर लिया, और डे टू को इतना ही आपका काम होगा, 3:30 के आसपास आपको छोड़ देंगे दोपहर में। फिर डे टू को भी आप मॉर्निंग में जाओगे। अब डे टू को आपको फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहना है वेटिंग रूम में, आपको डायरेक्टली सेकेंड मतलब ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना, आपको डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पर चले जाना है वेटिंग रूम में, ठीक है। उधर दे विल टेल यू कि आपको क्या क्या करना है, और डे या तो डे वन के एंड पे या तो डे टू के स्टार्टिंग में आपका जनरल मेडिसिन होगा, उसमें आपका हाइट वेट फिर चेस्ट मेजरमेंट डायफ्राम के लिए ये सब आपका मेजर किया जाएगा। मेरा डे वन के एंड पे हो गया था, बट कुछ कुछ का डे टू के भी होता है स्टार्टिंग में। आपका बीपी भी चेक किया जाएगा, मेरा डे वन को बीपी थोड़ा शूट हो गया था, तो डे टू को मॉर्निंग में फिर मेरा बीपी वापस लिया, तब नॉर्मल आया था। तो आपका जनरल मेडिसिन होगा, फिर बाद में एक ही चीज़ बचेगी डे टू के लिए, होगा आपका नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन। तो आपको मतलब वेट बहुत करना पड़ेगा, मतलब आप 8 बजे पहुँच जाओगे तो ये आपका होगा रफली 10 या 11 बजे के आसपास कि आपका नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन हो रहा है, और ये एग्जामिनेशन हो गया फिर आपको बस 1-2 घंटा और वेट करना पड़ेगा, और फाइनली आपको ग्राउंड फ्लोर पे बुला के हेयर कॉमोडेयर जो थे सर, दे विल कॉल यू इन देयर चैम्बर, एंड वहाँ पे आपसे ही विल टॉक फॉर 5 मिनट्स, आपका जो भी CA-35 फॉर्म है वो साइन करके ही विल फाइनली गिव यू द CA-35 फॉर्म। मेरे को 1 बजे के आसपास मिल गया था डे टू को, सो CA-35 फॉर्म वॉज विथ मी, एंड हो गया मेरा क्लास 1 मेडिकल विदाउट एनी मेजर हर्डल्स, थैंक यू टू द गॉड वाइज। सो दिस वॉज माई डे टू एट AFCME न्यू दिल्ली, और मेरा हो गया था क्लास 1 मेडिकल। और फिर उसके रफली 20 डेज के बाद मेरे को मेल आ गया DGCA से अपना क्लास 1 मेडिकल असेसमेंट का, तो वो असेसमेंट में लिखा था कि तुम्हारा एड्रेस पे हम शिप कर देंगे, तो उधर मेरे को वही डर है कि अभी तक आया नहीं है, तो आएगा कि नहीं आई डोंट नो, बट ठीक है स्कैन कॉपी है तब तक कोई इशू है नहीं। और अभी DGCA पे मेरा अपडेट होना बाकी है, उसके लिए मैं उनको कॉल करूँगा कि मेरे को कुछ अपनी साइड से प्रोसीजर करना है, या वो लोग ही अपने साइड से EGCA पे कर देंगे अपलोड। बट दिस इज़ हाउ माई मेडिकल वेंट थ्रू, एंड दिस इज़ हाउ यू गाइज आर ऑल्सो गोना यू नो एक्सपीरियंस द क्लास 1 मेडिकल थिंग। बट ये जो हवा बनाया गया ना कि इट इज़ सुपर टफ, एयरफोर्स सेंटर्स पे जाने जैसा नहीं है, आई वुड से कि एयरफोर्स सेंटर्स पे जाने जैसा है, फालतू का इशू उधर नहीं बनाया जाएगा। पहले शायद टफ था जैसे मैंने सुना, बट अभी वो लोग लिबरल हो गए, कोई इशू है नहीं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मैंने मेंशन किया था कि मैं अपने दिल्ली से पुणे वाले और पुणे से वापस वडोदरा वाले ब्लॉग्स डालूंगा, बट मैंने वो फुटेज देखा एंड आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ फुटेज दैट केम आउट, तो अभी उसको थ्रेश कर देते हैं। मैं अभी 1 या 2 वीक में एक और ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर, तो तब थोड़ा बेटर वे में यू नो ब्लॉग करूँगा। अभी आई गेस आज भी मतलब इतना पब्लिक में भी आज ब्लॉग किया, तो आज थोड़ा सा बेटर रहा होगा, आज थोड़ा कॉन्शियस में ज़्यादा नहीं हुआ। सो आई गेस तब बेटर ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन वो पुणे वगैरह वाला सब इग्नोर करना, वो ब्लॉग्स में अब नहीं डालने वाला। सो ओके गाइस, बाय बाय, ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ। ओए यार।